बात करेंगे स्प्लेंडर प्लस बाइक के i3s के बारे में। अगर आपके पास भी i3s वाली बाइक है और आप उसको लेकर के परेशान हो कि कैसे काम करता है, ये क्या है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। i3s क्या है, i3s कैसे काम करता है, कैसे इसको इस्तेमाल करोगे, और अगर ये प्रॉब्लम कर रहा है, काम नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है, पूरी जानकारी एक ही वीडियो मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, मेरे पास है i3s बाइक, मैंने 2 साल पहले ली थी, आल ब्लैक बाइक है। इसकी पहचान ये है कि यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन होगा इस साइड में, ठीक है। यहाँ देखिए i3s लिखा हुआ होगा, ठीक है। i3s बाइक की पहचान ये है, और यहाँ पे भी i3s लिखा होगा, ठीक है। ये i3s बाइक की पहचान है, और इसके लिए यहाँ पे, यहाँ से दिखाइए, यहाँ पे देखिए एक लाइट होती है i3s के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे, देखिए लाइट ये जलती है, ठीक है। तो i3s काम कैसे करेगा, पहले मैं आपको बता दूं फुल फॉर्म। देखिए i3s का मतलब होता है आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसको इसलिए लाया गया जिससे फ्यूल बच सके, मतलब पेट्रोल कम खर्च हो सके। कुछ कंडीशन ऐसी हो जब हम कहीं बाइक को चला रहे, मतलब जा रहे हैं, कुछ कंडीशन हमको रोकनी पड़ रही है बाइक, और हम मतलब बाइक को बंद नहीं करते हैं, तो न्यूट्रल कंडीशन में वो काफ़ी टाइम के लिए स्टार्ट रहती है, ठीक है, और 2 मिनट 10 मिनट, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है कि अपने आप बंद हो जाती है, 5 सेकंड के अंदर अंदर अपने आप बंद हो जाती है, और जैसे ही हमको चलना होता है क्लिक स्विच के जरिए स्टार्ट हो जाती है। ये आए थे दोस्तों, अब ये काम कैसे करेगा, देखिए इसके लिए पहली चीज़ तो ये कि बाइक थोड़ी दूरी पर चली हुई होनी चाहिए, ठीक है, इंजन गर्म होना चाहिए। कभी आप सोचो कि खड़ी बाइक पर आई काम नहीं करता, ठीक है, तो थोड़ी दूर ड्राइव कर लोगे तभी अपने आप काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जब आप कहीं रुकोगे, न्यूट्रल गाड़ी खड़ी 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 करके स्टार्ट करके रहने दोगे, तो अपने आप i3s लग जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस समय ये गाड़ी स्टार्ट कंडीशन मैंने खड़ी कर दी है, मैं कहीं गया हूँ और मैंने खड़ी कर लिया चला के, ठीक है, न्यूट्रल कंडीशन में खड़ी, अपने आप i3s के जरिए बंद हो जाएगी, ठीक है। अब ये इस तरीके से अगर i3s नहीं होगा लगा वो तो स्टार्ट ही रहेगी, मगर ये 5 सेकंड ना बंद हो जाएगी। अभी कैसा काम करेगा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा मैं ड्राइव लेके आता हूँ। ड्राइव कर लेनी है बाइक, और बाइक ड्राइव करने के बाद में इस तरीके से अपनी बाइक को न्यूट्रल कंडीशन में खड़ा कर देना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने न्यूट्रल कंडीशन में बाइक खड़ी कर दी है, ठीक है, और आप देखेंगे 5 सेकंड के अंदर अंदर मेरी बाइक जो है ये बंद हो जाएगी, ठीक है, i3s के जरिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बंद हो गई है बाइक, मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। तो i3s के जरिए ये बाइक अपने आप बंद हुई है, और जब ये बाइक बंद होगी, इधर से दिखाइए जरा थोड़ा, देखिए जब ये बाइक होगी i3s के जरिए, तो यहाँ पे जो i3s वाली ये लाइट है, ठीक है, ये मतलब जलेगी कभी बुझेगी, जलेगी कभी बुझेगी, इसका मतलब ये है कि i3s लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि मुझे मान लीजिए मैं कहीं गया, मैंने कुछ कंडीशन में न्यूट्रल करके खड़ी कर ली क्रॉसिंग पे या कहीं भी, तो अपने आप बंद हो गई। अब मुझे चलना है तो मुझे सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है, मुझको यहाँ से क्लिक दाबना है, ऑटोमेटिक अपनी बाइक स्टार्ट हो जाएगी, गियर डाल दिए, ठीक है। ये है i3s, मान लीजिए हम फिर कुछ दूरी पर जाकर फिर हमने खड़ी कर ली, तो इस तरीके से जैसे ही आप बाइक खड़ी कर लोगे 5 सेकंड बाद अपने आप ये बाइक बंद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसके जरिए ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, मतलब इसके जरिए मैं तो मानता हूँ कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है दोस्तों। बाइक अपने आप बंद होती है, अपने आप स्टार्ट होती है, ये सारी चीज़ें। हालांकि मेरी जो बाइक है अभी इसका क्लिक जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वरना इसके लिए क्लिक सही से काम कर रहा तो ऐसे अपने आप लगने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को समझिए, और एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैं थोड़ा ड्राइव करके आता हूँ। देखिए ड्राइव करके ले आए, और हमने न्यूट्रल कंडीशन में बाइक अपनी खड़ी कर दी, ठीक है, न्यूट्रल है, कुछ नहीं मैंने किया है। आप देखेंगे ये बाइक बंद हो जाएगी, अभी इसका क्लिक थोड़ा कम काम नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पे अब क्लिक काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए i3s इस समय लग गया है, और अब ये बंद हो गई है अपने आप ही, ठीक है। तो क्लिक का थोड़ा इसमें सिस्टम प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, और जैसे ही हमको चलना है तो हम इसको मात्र क्लिक को डालेंगे, बाइक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी बाइक का i3s काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको बता दूँ आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, किसी मिस्त्री के पास जाएं, या फिर हीरो की एजेंसी जहां से आपने बाइक ली है वहां पे जाएं, इसका जो ये क्लिक है, ठीक है, इसको आप सेट कराएं। जैसे मेरी बाइक की थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा सही से सेट कराएं जिससे i3s लगना स्टार्ट हो जाए, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में ऑन ऑफ वाला ये बटन, इसका ध्यान रखें, ये ऑन ऑफ वाला बटन ऑन होना चाहिए, मतलब ऑन कंडीशन में होगा तो लगेगा, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और ये जो वायर है इस पर भी थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, क्योंकि क्लिक पूरा सिस्टम क्लिक का यहीं से होता है, ठीक है। गियर में भी बाइक अगर स्टार्ट नहीं होती है तो यहीं की वजह होती है, इसको सही करके लगाएंगे तो क्लिक अपने आप सही काम करेगा, ठीक है। मात्र इतनी सी प्रॉब्लम होती है, इसको आप सेट करा लीजिए, इसका कार्बन चेक करा लीजिए, कार्बन साफ करके लगाइए इन वायर को, देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है, ये वाले जो वायर हैं, तो ठीक है, इनको कार्बन को साफ करके यहाँ पर लगाइए, ठीक है, और ये जो क्लिप है इसको सही करा लीजिए, मात्र कहीं भी किसी मिस्त्री से या सर्विस सेंटर पर,
आपकी जो i3s है बहुत आराम से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको i3s से रिलेटेड दी है, कुछ भी बताने को नहीं बचा है। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया हो, आपको लग रहा हो कोई दिक्कत हो रही है, आप कमेंट करें, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो अलग से बना दूंगा स्पेशल। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।